हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिमाचल की एक फेमस सब्जी के बारे में बताऊंगी, जिसको हम अरबी के पत्ते और पतीड़ भी कहते हैं। आप सभी ने इसकी सब्जी तो खाई होगी, बट आज मैं आपको इससे बनने वाली कोफ्ते की सब्जी बताऊंगी। सो सबसे पहले आपको पतीड़ के पत्तों को छोटा छोटा काटना पड़ेगा। फिर आप एक बाउल में पतीड़ के पत्ते, लंबे कटे हुए प्याज, बेसन, 2 चम्मच बेसन, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन डाल दीजिए। आप इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और तेल में अच्छे से तल लीजिए। पकौड़े ठंडे होने के लिए हम साइड में रख लेंगे और उसके बाद हम अपना तड़के के लिए प्रिपेयर करेंगे मसाला। तड़का बनाने के लिए आपको लहसुन, जीरा, खड़े मसाले और अदरक, लाल मिर्च चाहिए, जिसे आपको अच्छे से पीस देना है। उसके बाद आपको एक कढ़ाई में हल्का सा तेल, प्याज और मिर्च डाल दीजिए, उसे अच्छे से भून ले। उसके बाद आप दही में हल्की सी हल्दी, मिर्च और नमक मिक्स कर दीजिए और उसे साइड में रख देना है। फिर पीसा हुआ मसाला कढ़ाई में डाल देना है और उसके बाद दही को तड़के में डाल देना है। उसे अच्छे से मिक्स करके 1 कप पानी डाल देना है, उसे अच्छे से उबलने दे और फिर उसमें पतीड़ के पकौड़े डाल देना है। इसके बाद आप हींग भी डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। इसे हम अच्छे से उबलने देंगे और 10-20 मिनट्स तक इसको गैस में रखेंगे और उसके बाद आप इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत डिलीशियस डिश बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।